हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इस लेक्चर में हम लोग लॉरेंस थ्योरम और सीरीज और उसके प्रॉब्लम्स को सीखेंगे। लॉरेंस थ्योरम देखो, इफ अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन द क्लोज्ड रिंग बाउंडेड बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स C1 एंड C2 ऑफ सेंटर ए एंड रेडाई R1 एंड R2 व्हेन R1 इज ग्रेटर देन R2। ये ऐसा है, पहले डायग्राम देख लो। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, दोनों का सेंटर सेम है, जिसको नाम दिया है क्या दिया, सेंटर ए। उसके बाद फिर बोला है रेडाई है R1 एंड R2, मतलब एक रेडियस है जिसका वैल्यू है R1, दूसरा रेडियस से छोटा वाला जिसका वैल्यू है R2। क्योंकि बाहर R1 है इसलिए मैं बाहर वाले कर्व को C1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अंदर वाले कर्व को C2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी आप एंटी क्लॉकवाइज लोगे, ये भी आप एंटी क्लॉकवाइज लोगे। तो ये डायग्राम है आपका। अगर इस तरह का डायग्राम है तो सबसे पहले ये बताइए कि जोन कौन सा डिफाइन होगा। आप बोलोगे जोन सर और कुछ नहीं, ये बीच वाला जो पोर्शन है इसी को हम लोग रीजन बोलेंगे या फिर जोन बोलेंगे। तो हमारा जो फंक्शन है वो इसी जोन या रीजन में एनालिटिक होना चाहिए। अब कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट, कोई भी रैंडम पॉइंट आप जेड कंसिडर कर लो, कोई भी रैंडम पॉइंट अंदर में इस एनुलस में हम जेड पॉइंट कंसिडर करते हैं इस रिंग के लिए, तब उस केस में आप एफ ऑफ जेड को कुछ इस तरह से लिख सकते हो। इसको ध्यान देना, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी ए एन जेड माइनस ए होल पावर एन प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए होल पावर माइनस एन, जहां पे आपका ए एन होता है 1/2πi इंटीग्रेशन C1 एफ ऑफ T/T माइनस ए होल पावर एन प्लस 1 dt, एन इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, एंड बी एन इज इक्वल टू 1/2πi इंटीग्रेशन ओवर C2 एफ ऑफ T/T माइनस ए पावर माइनस एन प्लस 1 dt और एन की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से लेकर के एंड सो ऑन। इस लॉरेंस सीरीज में मतलब एक तो थ्योरम हो गया कि मतलब ऐसा अगर सिचुएशन रहे तो एफ ऑफ जेड को आप इस तरह से लिख सकते हो, और जब ये जो चीज आप एक्सपैंड करके लिखोगे इसी चीज को आप लॉरेंस सीरीज बोलोगे। इसमें पहला वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है एनालिटिक पार्ट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा लिखिएगा। इसको बोला जाता है एनालिटिक पार्ट या फिर एनालिटिक टर्म या फिर रेगुलर टर्म या फिर जनरल टर्म। और सेकेंड वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है प्रिंसिपल पार्ट, ठीक है। तो आगे चल करके आपको प्रिंसिपल पार्ट का सिग्निफिकेंस बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि जब आप आगे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो रेसिड्यूज वगैरह सब इससे निकलेगा, सिंगुलैरिटीज एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये रहा आपका लॉरेंस सीरीज, आपको ये चीज अच्छे से याद रखना है। मतलब दो सर्कल है C1, C2 इस तरह से, और ईच इंटीग्रल इज टेकन एज काउंटर क्लॉकवाइज। अब आपको करना क्या है, प्रूफ करना है। कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले आप दो सर्कल बनाइएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, और बाहर वाला जो कर्व है उसका नाम दिया C1 जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, अंदर वाला जो कॉन्टूर है वो है C2 जो भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, रेडियस है बाहर वाले का R1 और रेडियस है अंदर वाले का R2। आप कोई भी रैंडम पॉइंट ए अंदर में आप कंसिडर करो तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से आप ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हो। कौन सा रीजन है ये, सिंपली कनेक्टेड रीजन या मल्टीपली कनेक्टेड रीजन? बोलोगे सर इसमें तो छेद है तो ये मल्टीपली कनेक्टेड रीजन हो गया। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एफ ऑफ ए हम इस तरह से लिख सकते हैं, आपको सिखाए हम। सिंपली कनेक्टेड रीजन के लिए अलग फॉर्मूला होता है और मल्टीपली कनेक्टेड रीजन के लिए अलग फॉर्मूला होता है, तो हम लोगों ने ये सीखा। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2πi इंटीग्रेशन C1 एफ ऑफ जेड बाई जेड माइनस ए माइनस 1/2πi इंटीग्रेशन C2 एफ ऑफ जेड बाई जेड माइनस ए dz। अब देखो क्या करेंगे, आपको प्रूफ करना है ये थ्योरम। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है जेड, एफ ऑफ जेड, तो हम क्या करेंगे, ए को जेड से रिप्लेस कर देंगे और जेड को टी से रिप्लेस कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में बन गया है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2πi इंटीग्रेशन C1 जेड के जगह पे टी डाल दिया, जेड के जगह पे टी डाल दिया, ए के जगह पे जेड डाल दिया, तब ये बना एफ ऑफ T/T माइनस जेड dt माइनस ऑफ 1/2πi
इंटीग्रेशन सी टू, एफ ऑफ जेड के जगह पे एफ ऑफ टी आएगा, जेड के जगह पे टी आएगा, ए के जगह पे जेड आएगा, तो ये भी टी माइनस जेड डी टी हो गया। अब देखो इसको हम इसी तरह से कॉपी किए, कोई चेंज नहीं, यहां से टी माइनस जेड को भगा करके हम जेड माइनस टी किए हैं, इंटेंशनली किए हैं। तो अगर माइनस आप कॉमन लोगे तो माइनस और माइनस प्लस होगा, तो यहां पे प्लस हो गया। अब क्या करना है, वन बाय टू पाई आर इधर कॉमन इधर रहेगा, टी माइनस जेड में आप एक करो खुराफाती, एक बार माइनस ए एक बार प्लस ए, और जेड माइनस टी में भी करो खुराफाती, जेड माइनस ए प्लस ए। इसलिए किया है हमने ताकि यहां पे आपको टी माइनस ए कॉमन मिले, जिससे अंदर में आपके पास जेड माइनस ए रेडी हो जाए, और इधर भी आपको जेड माइनस ए मिल जाए और अंदर में आपको ये वाला पोर्शन रेडी हो जाए। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको सारे चीज कन्वर्ट कर रहे हैं जेड माइनस ए के टर्म्स में, इसीलिए हम लोगों ने ये सारी चीजें किया। अब देखो यहां से और यहां से आप क्या करोगे, ये जो आपका डिनोमिनेटर में है ये जब न्यूमरेटर में उठ के जाएगा तो इसके पावर में माइनस वन होगा और इसके पावर में भी माइनस वन होगा। तो यहां पे लिखा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू वन बाई टू पाई आई इंटीग्रेशन सी वन, वन बाई टी माइनस ए, वन माइनस जेड माइनस ए बाई टी माइनस ए होल पावर माइनस वन एफ ऑफ टी डी टी, प्लस वन बाई टू पाई आई इंटीग्रेशन सी टू, वन बाई जेड माइनस ए इंटू वन माइनस टी माइनस ए बाई जेड माइनस ए होल पावर माइनस वन इंटू एफ ऑफ टी डी टी। अब ये दो अलग अलग पार्ट्स में सेग्रीगेटेड है, तो पहले वाले इंटीग्रेशन ये जो टर्म है इसको मैंने नाम दिया है टी वन सॉरी आई वन, और दूसरा वाला जो है इसका नाम दिया है आई टू। अब आप क्या करो, सेपरेटली सॉल्व कर लो, आई वन निकाल लो आई टू निकाल लो, और फाइनली एफ ऑफ जेड हो जाएगा क्या, आई वन प्लस आई टू। देखते हैं, आई वन सॉल्व करने के लिए वन बाय टू पाई आई इंटीग्रेशन सी वन, वन बाय टी माइनस ए ये है। अब आपको क्या करना है, इसको एक्सपैंड कर देना है। मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था क्या, कि वन माइनस एक्स पावर अगर माइनस वन होता है और पावर सॉरी साइन अगर सेम होता है तो क्या होगा, सब कुछ प्लस हो जाएगा, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, इस तरह से चलता चला जाएगा। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, वन प्लस जेड माइनस ए बाई टी माइनस ए प्लस जेड माइनस ए बाई टी माइनस ए होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस ए बाई टी माइनस ए होल क्यूब एंड सो ऑन एफ ऑफ टी डी टी। अब हर चीज को आप सेपरेट कर दो, मतलब डिवाइड, मतलब हर चीज में बांट दो, तो हो जाएगा वन बाई टू पाई आई वन बाई टी माइनस ए एफ ऑफ टी डी टी, वन बाई टू पाई आई इधर आ जाएगा और जेड माइनस ए बाई टी माइनस ए होल स्क्वायर एफ ऑफ टी डी टी, इस तरह से आप सेग्रीगेट कर दोगे। फिर ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे क्या होगा, इसको आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट कर दोगे, जो आपका कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला था nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, उससे आप इस फॉर्मेट में कर दोगे और कंप्रेस करके कुछ इस तरह से लिखोगे। यहां पे आपको ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसी पोर्शन को नाम दिया गया है an, तो मैंने शॉर्ट करके an लिखा है, और z माइनस ए पावर n तो है ही, तो आपको फाइनली i1 क्या मिल गया, i1 मिल गया है समेशन n इज इक्वल टू जीरो से लेकर के इन्फिनिटी an इंटू जेड माइनस ए होल पावर n, जो कि और कुछ नहीं ये वाला पार्ट है, मतलब एनालिटिक पार्ट है या फिर रेगुलर पार्ट है या फिर जनरल पार्ट है। सिमिलरली जो सेम प्रोसेस आपने ये चीज किया है वही चीज आप I2 के लिए करो, मैंने पूरा दिखाया नहीं ताकि आप कर सकते हो इसको। तो जब आप इसको करोगे तब फाइनली आपको जो रिलेशन मिलेगा कुछ इस तरह का रिलेशन मिलेगा, मतलब सेकेंड वाला पार्ट या प्रिंसिपल पार्ट। फाइनली आपको I1 प्लस I2 ऐड कर देना है, तो ये रहा आपका A1, ये रहा I2 और एफ ऑफ जेड हो चुका है प्रूफ। बहुत ही आसान तरीके से बता दिया इसको, लॉरेंट्स थ्योरम या लॉरेंट्स सीरीज ये वाला जो टॉपिक है 100% आने वाला है, तो इसको आप थ्योरम याद रखिएगा, इसका प्रूफ याद रखिएगा, इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो अब हम लोग सीखते हैं, तो इसको आप अच्छे से नोट करिए। टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वैसे लॉरेंट्स थ्योरम और लॉरेंट्स सीरीज, लेकिन आपको लॉरेंट्स सीरीज का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको फिर से टेलर सीरीज का प्रॉब्लम सॉल्व करके डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब मैं जानबूझ करके ये टेलर सीरीज का प्रॉब्लम करा रहा हूँ ताकि आप फिर इसके बाद जो लॉरेंट्स सीरीज का प्रॉब्लम करोगे उसमें आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि टेलर सीरीज के प्रॉब्लम्स में क्या है अप्रोच और लॉरेंट्स सीरीज के प्रॉब्लम में क्या है अप्रोच, ठीक है। तो ये जो टॉपिक लिखा है मैंने ये टेलर सीरीज के बारे में लिखा है कि टेलर्स थ्योरम इज वैलिड इनसाइड द सर्कल इवन दो द फंक्शन नीड नॉट टू बी एनालिटिक ऑन द बाउंड्री। ये आपने नोट करके लिख लो, जैसे सिंपली कनेक्टेड रीजन मल्टीपली कनेक्टेड रीजन, जैसे ये कब वैलिड होगा, मान लो टेलर सीरीज की अगर हम बात करें, टेलर
और लॉरेंट। जब भी आपको कुछ डिस्क टाइप का दिख जाए, ये पूरा का पूरा अगर रीजन आपको डिस्क टाइप का दिख जाए और फंक्शन आपका एनालिटिक इसी रीजन में अगर हो, कोई छेद ना हो, तब वहां पे लगता है टेलर्स थ्योरम। अगर इसमें कुछ होल्स हो या कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो या रिंग टाइप का कुछ बना हो, तब यहां पे जो रीजन डिफाइन होगा वो कुछ इस तरह का होगा और आपका जो फंक्शन एनालिटिक है वो इसी रिंग के अंदर होगा, तब इस वाले प्रॉब्लम में लगता है लॉरेंट्स थ्योरम या लॉरेंट सीरीज। हो गया आसान? डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, आसान कर दीजिए। जब भी कुछ डिस्क टाइप का दिखे तो आपको लगाना है टेलर, कोई भी रिंग टाइप का आपको दिखे और बीच में छेद हो तो लगाना है लॉरेंट। आपको इस तरह से भी बोल सकते हो, रीजन कैसा है, दिस इज अ सिंपली कनेक्टेड रीजन, दिस इज अ मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। क्या था तरीका? जिसमें छेद हो वो है मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। ठीक है, टेलर सीरीज का ये या टेलर थ्योरम का ये खासियत है कि आपका फंक्शन सिर्फ अंदर एनालिटिक भी हो तो चलेगा, बाहर पे एनालिटिक हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बाहर पे एनालिटिक हो तो अच्छी बात है, अगर इस बाउंड्री पे एनालिटिक नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप टेलर्स थ्योरम लगा सकते हो। वही चीज बोला, टेलर्स थ्योरम इज वैलिड इनसाइड द सर्कल इवन दो द फंक्शन नीड नॉट टू बी एनालिटिक ऑन द बाउंड्री। सो बाउंड्री से कुछ लेना देना नहीं है, हो बाउंड्री पे एनालिटिक नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके अंदर में एनालिटिक होना चाहिए, मतलब अंदर में कोई सिंगुलर पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। पकड़िएगा बात को, क्या बोला, बाहर में इसके पेरिफेरी में कोई सिंगुलर पॉइंट धरा गया तो कोई दिक्कत नहीं है, टेलर थ्योरम काम करेगा, लेकिन इसके अंदर में अगर कोई सिंगुलर पॉइंट आपको मिल गया तब दिक्कत है, तब नहीं हो सकता। आप आइडेंटिफाई करेंगे, अभी प्रॉब्लम करेंगे ना तो आप समझोगे क्या मैं बताने जा रहा हूं। सिंस एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड अ सर्कल, देन इट इज कॉल्ड द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द टेलर सीरीज ऑफ एफ ऑफ जेड। अब क्योंकि ये फंक्शन इसके अंदर एनालिटिक है, इसलिए इस पूरे रीजन को हम लोग एक रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बोलेंगे। तो इससे मैंने दो चीज आपको बताया, पहला कि बाउंड्री का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, इसके सर्कल के बाउंड्री पे आपका फंक्शन एनालिटिक हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, जब भी कुछ डिस्क टाइप का कुछ दिख जाए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस तो टेलर सीरीज लगाते हैं, और रिंग टाइप का कुछ दिख जाए तो उसको लॉरेंट सीरीज लगाते हैं। समझ में आया? तीसरी बात कि आपका फंक्शन अंदर में जितना भी, क्योंकि सारे पॉइंट्स पे अंदर में एनालिटिक है तो इसी को हम लोग रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बोलेंगे, और यहां पे ये वाला चीज एनालिटिक है तो इसको हम लोग रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बोलेंगे। क्लियर हो गया? अब देखो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और क्लियर हो जाए। यहां पे बोला फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट दिस, फाइंड द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, इससे हम लोग क्या सीखेंगे कि टेलर सीरीज को कैसे एक्सपैंड करते हैं। हालांकि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में टेलर थ्योरम में सीखा है, तो इसमें भी हम लोग इसको एक्सपैंड करके देखते हैं। किसके अबाउट? अबाउट जेड इज इक्वल टू 2k। एक्सपैंड करने के बाद आपको पहला 5 टर्म आपको बताना है, साथ ही साथ आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बता देना है। ठीक है, क्या बताया रीजन ऑफ कन्वर्जेंस? मतलब ऐसा रीजन जिसमें हर पॉइंट आपका एनालिटिक हो उसको बोलेंगे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। इसको स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि यहां पे आपको ऊपर में पॉलिनोमियल नीचे में पॉलिनोमियल दिख रहा है और क्योंकि प्रोडक्ट्स में दिख रहा है, तो अब क्या करोगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना ही सुविधा है। तो हम इसको एक काम करते हैं, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, यहां पे लिखा है जेड प्लस 1 बाय जेड माइनस 3 इंटू जेड माइनस 4 लिख दिया। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाय जेड माइनस 3 प्लस बी डिवाइडेड बाय जेड माइनस 4। अगर आप डायरेक्ट देख सकते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सुविधा ये होता है कि हम लोग तो एवरेज स्टूडेंट है ना, और उससे भी बिलो एवरेज स्टूडेंट, तो उतना दिमाग नहीं लगाते हम लोग, जो प्रोसेस दिया हुआ उससे फॉलो करते हैं, आंसर आ जाएगा। तो a टाइम्स ये प्लस b टाइम्स ये। अब इसका डिनोमिनेटर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे तो यही मिलेगा। न्यूमरेटर का दिक्कत है कि आप यहां पे जेड प्लस 1 रखोगे और यहां पे क्या आना चाहिए, a टाइम्स जेड माइनस 4 प्लस b टाइम्स जेड माइनस 3। आप जानते हो कैसे निकालते हैं, एक बार इसको जीरो करते हैं और एक बार इसको जीरो करेंगे,
तो अगर हम जेड इज इक्वल टू फोर पुट करते हैं तो ये टर्म गायब हो जाएगा, 4 + 1 = 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू बी टाइम्स 4 - 3 = 1 हो जाएगा। तो यहां से हमको बी पता चल गया है 5। उसी तरह से जेड इज इक्वल टू आप 3 पुट करो तो ये टर्म गायब हो जाएगा, ये कितना होगा 3 - 4 - 1। तो यहां पे आप क्या लिखोगे 3 + 1 = 4, तो 4 = -a। यहां से आपको पता चल गया a इज इक्वल टू -4। आपको a पता चल चुका है, b पता चल चुका है, तो इस पूरे फंक्शन को आप फाइनली लिख सकते हो a बाय जेड माइनस 3 मतलब -4 / z - 3 और प्लस 5 / z - 4। कोई दिक्कत ही नहीं है, आप करके देखना चाहो तो आपको फाइनली यही मिलेगा। तो आपने a निकाल लिया है -4, तो a की जगह पे -4 पुट कर दो, b निकाला है 5, तो यहां पे इसके जगह पे 5 पुट कर दो। ठीक है, अब सुनो, जब भी आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट आपको एक्सपैंड करना रहता है तो यहां पे देखो a का वैल्यू क्या है 2, मतलब 2 के रेस्पेक्ट में आपको करना है। तो मैंने आपको इसका तरीका बताया था कि RHS में जब नॉन जीरो हो तो क्या करो, उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ, RHS को जीरो कर दो। तब यहां पे z - 2 = 0 कर सकते हैं और इधर जो कुछ भी है इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। तो लिख लो लेट t = z - 2, तो यहां से आपको z क्या मिलेगा t + 2। अब इसी z को इसमें पुट कर दो, हो जाएगा आसान। तब आप डायरेक्ट जो आपका जो एक्सपेंशन बाइनोमियल वाला है उससे आप निकाल सकते हो, वरना यह भी तरीका है जो डायरेक्ट फॉर्मूला था डिफरेंशिएट करके, बार बार डिफरेंशिएट कर तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, वैसे भी आप कर सकते हो, हालांकि वो लेंदी हो जाएगा। इसलिए बेटर यही है कि ये सब्सटीट्यूशन मेथड से आप इसको फॉलो करो, आसान हो जाएगा। तो एफ ऑफ जेड को आप लिख सकते हो -4 / जेड के जगह आप लिखेंगे t + 2, तो यहां पे लिख दो t + 2 - 3 + 5 / t + 2 - 4। इसको आप लिख सकते हो -4 / देखो t ये क्या हो जाएगा 2 - 3 - 1, तो t - 1 हो गया और प्लस 5 / t - 2 हो गया, t - 2 हो गया। अब सवाल उठता है कि यहां पे क्या किया जाए, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि 1 - x - 1, इसको आप 1 + x + x² इस तरह से आप लिख सकते हो जरूर, लेकिन इसका कंडीशन क्या बताया था कि मॉड ऑफ x जो है वो 1 से कम होना चाहिए, सेकेंड पार्ट है जो 1 से कम होना चाहिए। तो यहां पे हम ऐसा क्या करें जिससे हम इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इतना आप नोट करिए, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पे मैंने क्या बताया कि 1 - x - 1 आप करोगे ना तो क्या आएगा 1 + x + x² + ……। और कंडीशन क्या है कि इधर का जो सेकेंड पोर्शन है वो 1 से कम होना चाहिए, मतलब 1 - something रहना चाहिए पहला कंडीशन, और दूसरा जो सेकेंड वाला पोर्शन है वो 1 से कम होना चाहिए। तो इसको आप तो डायरेक्ट वैसे नहीं लिख सकते, इसको आप क्या कर सकते हो, देखो गौर से, इसको हम लिखेंगे -4 / अब यहां से आप 1 - something लिखना चाहते हो तो यहां पे आप -1 को आप कॉमन ले लीजिए और इसको लिख सकते हो 1 - t। कोई दिक्कत है इसमें, ये तो हो गया, और जो t की वैल्यू है 1 से कम ही है तो ये मैंने ये वैलिड है। अब देखो यहां पे 5 / अब यहां से क्या कॉमन लेंगे, यहां से हम लेंगे -2 को कॉमन और ये बन जाएगा 1 - t / 2। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 1 से कम है, ये भी वैलिड है। इसको आप क्या करो, इसको लिखो -, -+ हो गया तो ये हो जाएगा 4 - t / −1, और यहां पे क्या हो जाएगा -5/2 × 1 - t / −1। अब एक्सपैंड कर दीजिए, आप तो जानते हो इसको एक्सपैंड करना। तब इस f ऑफ z को आप लिख सकते हो 4 times क्या हो जाएगा 1 + t + t² + t³ and so on, फिर -5/2 times ये क्या हो जाएगा
वन प्लस टी बाई टू, वन प्लस एक्स होगा ना, तो वन प्लस टी बाई टू प्लस टी स्क्वायर बाय फोर प्लस इसका क्यूब करोगे तो टी क्यूब बाय एट एंड सो ऑन। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, पहला टर्म क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, फिर यहां पे माइनस फाइव बाई टू हो जाएगा। पहला टर्म देखो, इधर होल नंबर है, फिर दूसरा टर्म आप लिख सकते हो इधर फोर टी, फिर इधर हो जाएगा माइनस फाइव टी बाय फोर, फाइव टी बाय फोर क्योंकि इधर टर्म है ना, फिर फोर टी स्क्वायर, फोर टी स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस फाइव टी स्क्वायर बाय एट, फाइव टी स्क्वायर बाय एट। इस तरह से आप करते चले जाओ, एक्सपैंड कर दो, मैंने आंसर इसको सॉल्व किया है। तो पहला टर्म है आपका ये 4 इंटू वन प्लस टी स्क्वायर और माइनस फाइव बाई टू टाइम्स ये, जब आप इसको पूरी तरह से एक्सपैंड वैंड करोगे तो आपका रिजल्ट मिलेगा f ऑफ z इज इक्वल टू 3 बाई टू प्लस 11 टी बाई फोर प्लस 27 बाई एट टी स्क्वायर प्लस 59 बाई 16 टी क्यूब, और इस तरह से आगे का जितना टर्म आपको बोला निकालने के लिए आप उससे निकाल सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया एक्सपेंशन वाला पार्ट। क्या सीखा आपने, कोई भी अगर पॉलिनोमियल के टर्म्स में दे और नेचर में नीचे में अगर फैक्टर्स के टर्म्स में दे तो आप क्या करोगे, इसको सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करोगे। ब्रेक करने के बाद पहले देखोगे कि यहाँ पे किसके अबाउट आपको एक्सपेंशन निकालना है। अगर आपके आरएचएस में जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लगा दो, और अगर आपके आरएचएस में नॉन जीरो है तब इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर के उसको सब्सटीट्यूट करके यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट करो। तो ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, आपने सब्सटीट्यूट क्या किया था, जेड इज इक्वल टू टी प्लस टू, मतलब आपने माना था टी इज इक्वल टू जेड माइनस टू, ये माना था। तो लास्ट में जो आपका आंसर आएगा फाइनली आपको जेड के टर्म्स में लिखना है, तो आप लिखोगे एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 3 बाई टू प्लस 11 बाई फोर टाइम्स टी के जगह क्या लिखना चाहिए हमको, जेड माइनस टू लिखना चाहिए। उसके बाद 27 बाई एट लिखो, जेड माइनस टू का होल स्क्वायर लिखो, फिर 59 डिवाइडेड बाई 16 जेड माइनस टू का होल क्यूब लिखो, और इस तरह से एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये आपके जितने भी टर्म्स आपको कैलकुलेट करने बोले तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, फाइंड करना है हमको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, गौर से देखिए। आपको निकालना है अबाउट z इज इक्वल टू टू, तो सबसे पहले डायग्राम बनाओ, आर्गेंड प्लेन में ये डायग्राम बनाओ। z इज इक्वल टू टू कहाँ मिलेगा, आप बोलोगे सर z इज इक्वल टू टू का मतलब ये और कुछ नहीं i टाइम्स जीरो होता है, मतलब जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है वो 2, 0 है। तो ये है आपका 1, ये है आपका 2, ठीक है। आगे भी बना लेते हैं 3, 4, 5 इस तरह से, यहाँ पे -1, -2, -3 आई, यहाँ पे क्या है, आई है, 2i है, ये -i है, -2i, बन गया आर्गेंट प्लेन हमारा। अब गौर से देखो, आप इस फंक्शन को देखो, यहां से आप सिंगुलर पॉइंट्स निकालो, सिंगुलर पॉइंट्स। आप बोलोगे सर डिनोमिनेटर को इक्वल टू जीरो कर दीजिए ना, तो यहां से जेड इज इक्वल टू 3 मिल जा रहा है और जेड इज इक्वल टू 4 मिल जा रहा है। सिंगुलर पॉइंट्स किसको बोलते हैं, ऐसे पॉइंट्स जिस पॉइंट्स पे आपके फंक्शन एनालिटिक नहीं हो। तो अगर आपके फंक्शन एनालिटिक ही नहीं है तो वहां पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आएगा, नहीं आएगा। और मैंने रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का डेफिनेशन आपको बताया कि एक ऐसा रीजन जिसके अंदर सारे के सारे पॉइंट्स आपके एनालिटिक हो, मतलब उसके अंदर कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं होना चाहिए। इस पूरे प्लेन को गौर से देखिए, हम इसमें क्या ऐसा रीजन बनाएं जिससे आपको कोई एक ऐसा गोला मिले या ऐसा रीजन मिले जहां पे कोई भी सिंगुलर पॉइंट आपके ना हो। तो आपको तो क्वेश्चन से दिख रहा है कि सिंगुलर पॉइंट जेड इज इक्वल टू 3 पे है और जेड इज इक्वल टू 4 पे है। तो अगर फॉर इंस्टेंस सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो कि अगर मान लो हम कुछ इस तरह का ऐसा रीजन कंसिडर करते हैं, मान लेते हैं ऐसा रीजन कंसिडर करते हैं, तो क्या हम इसको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बोलेंगे?
क्या हम इस चीज को रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बोलेंगे? नहीं बोल सकते। कैसे बोलेंगे? क्योंकि अगर हम इसको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बोलना था तो इसके अंदर तो सिंगुलर पॉइंट होते ही नहीं। समझ में आ रही है बात? तो इसके अंदर कोई सिंगुलर पॉइंट होते ही नहीं। अब सुनो, तो इसीलिए हम इसको तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस नहीं बोलेंगे। साथ ही आपको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है अबाउट जेड इज इक्वल टू टू, मतलब इस पॉइंट के अबाउट आपको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। इस पॉइंट के अबाउट आपको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, ठीक है? थोड़ा गौर फरमाओ। मान लो अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ऐसा, तो क्या हम इसको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बोल सकते हैं अबाउट जेड इज इक्वल टू टू? बोलोगे हाँ सर, यहां पर तो हर पॉइंट एनालिटिक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, इसको आप थोड़ा सा और बढ़ाइए तो क्या अब हम इसको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस रहेगा हमारा? बोले हाँ सर, अभी भी है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। अब आप समझ चुके हो हम करना क्या चाह रहे हैं। अब लोगे सर यहां भी आप जाओगे ना तो आपको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मिलेगा, आप यहां पे भी आप जाओगे ना तो आपको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मिलेगा, आप इधर भी जाओगे ना तो आपको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैक्सिमम हम इस सर्कल मतलब इस रेडियस का, वन यूनिट रेडियस का हम अगर सर्कल ड्रॉ करते हैं तब तक हमको पूरा का पूरा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस तो मिलता ही है। समझे कि नहीं? सर्कल ही बनाना है ना हमको, तो यहां से यहां तक जो हम बनाए ये क्या है? पूरा का पूरा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस तो हम बोल ही सकते हैं, क्योंकि अंदर में तो कोई सिंगुलर पॉइंट है ही नहीं। आपको अबाउट जेड इज इक्वल टू टू निकालना था, इसलिए मैंने यहां से शुरुआत की। दिखा? तो ये बन गया है मेरा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। फिर आप बोलोगे सर बाउंड्री पे सर ये तो सिंगुलर पॉइंट आ रहा है, कैसे बोल रहे हो उसको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस? तो बउवा हम स्टार्टिंग में ही आपको बता दिए थे कि चाहे बाउंड्री पे आपका सिंगुलर पॉइंट रहे या ना रहे, एनालिटिक हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्कल के अंदर में सारे के सारे पॉइंट्स आपके एनालिटिक होने चाहिए। आपको मिल रहा है ना? सबके सब है। अब इससे बाहर तो नहीं जा सकते ना, अब थोड़ा सा ग्रीन कलर से दिखाते हैं। अब थोड़ा सा मान लो ये जो सर्कल का रेडियस है हम थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं। फॉर इंस्टेंस मान लो इतना बड़ा कर दिया, तो इतना बड़ा सर्किल मिलेगा कि नहीं? देखो गौर से, तो क्या हम इस वाले सर्किल को रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बोलेंगे? मतलब इस पूरे सर्कल को, मतलब पूरा जो आपका डिस्क बन गया, क्या हम इसको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बोलेंगे? अब नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये वाला पूरा सर्कल के अंदर आ गया है आपका एक सिंगुलर पॉइंट। तो टेलर्स थ्योरम यहां पे वैलिड नहीं है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस नहीं है ये। बाउंड्री पे होता तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये तो अब अंदर घुस चुका है ये पॉइंट, तो क्या हर पॉइंट एनालिटिक है? नहीं, सब एनालिटिक इसको छोड़ करके तो ये तो वैलिड ही नहीं। इसीलिए एक ही पॉसिबिलिटी था कि मैक्सिमम जो आपका सर्कल का पेरिफेरी जाए वो बाउंड्री, थ्री पॉइंट के बाउंड्री से इस पे क्रॉस करता हुआ चला जाए, बस और कुछ भी नहीं। आपको बस इधर ही क्रॉस करते हुए चला जाए, तो इसी को हम लोग बोलेंगे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। बन गया है मेरा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। क्लियर है? तो अभी तक हम टेलर सीरीज का ही प्रॉब्लम करा रहे हैं, आगे बताएंगे आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? क्या रिंग विंग दिखा कुछ इसमें? क्या रिंग वगैरह या कहीं छेद या मल्टीपली कनेक्टेड रीजन दिखा? नहीं दिखा, सिर्फ एक डिस्क दिखा, सिंपली कनेक्टेड रीजन दिखा। तो जाहिर सी बात है यहां पर तो टेलर्स थ्योरम टेलर सीरीज लगे। एक और प्रॉब्लम करते हैं और मजा आएगा।
एक और इंटरेस्टिंग सवाल, इसमें भी आपको मजा आएगा। इसमें आपको बोला है कि एक्सपैंड करिए अबाउट जेड इज इक्वल टू माइनस आई। तो सबसे पहले तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लेते हैं, फिर आपको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि उसमें क्या हम करके टेलर लगेगा या लॉरेंट लगेगा, देख करके हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो आपको बोला है जेड इज इक्वल टू माइनस आई पे, तो हम इसका क्या एक आर्गेंट प्लेन में डायग्राम बनाते हैं। आप जानते हो ये होता है 1, 2, 3 -1, -2, -3 ये होता है आई, 2i, 3i -i, -2i, -3i। इसमें कोई दिक्कत है? अबाउट z इज इक्वल टू माइनस आई मतलब z इज इक्वल टू माइनस आई के अबाउट आपको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पता है, मतलब एक्सपैंड वगैरह सारी चीजें करनी है। तो हमको पता है कि सबसे पहले तो सिंगुलर पॉइंट्स निकालते हैं, तो यहां से आप f ऑफ z को लिख सकते हो 1/z² + 4 मतलब 1/z + 2i (z − 2i). तो z + 2i इज इक्वल टू 0, यहां से पता चलेगा z इज इक्वल टू -2i, एक पॉइंट हो गया है। और z − 2i इज इक्वल टू 0, यहां से पता चलेगा z इज इक्वल टू 2i, एक पॉइंट हो गया। तो ये दो सिंगुलर पॉइंट हम बना देते हैं, -2i और 2i। किधर है -2i? ये रहा, ये आपका सिंगुलर पॉइंट है, और 2i आपका ये रहा, तो ये सिंगुलर पॉइंट है। अब आप थोड़ा कॉमन सेंस लेकर के बताइए कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए, आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिसके कारण से एक रीजन भी मिल जाए, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मिल जाए अबाउट दिस पॉइंट। तो आप बोलोगे सर थोड़ा सा हम करते हैं ना, इसको हम अगर मान लीजिए बढ़ाते हैं थोड़ा सा इसका रेडियस, तो हमको तो पूरा का रीजन मिल ही जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं, ये पूरा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मिल जा रहा है। थोड़ा और बढ़ा के देखते हैं, सर इतना बढ़ा के देखें, ठीक है ये भी तो पूरा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मिला। सर और बढ़ाएं, तो अभी भी कोई दिक्कत ही नहीं है, मैक्सिमम हम लोग यहां तक जा सकते हैं। मतलब एक यूनिट सर्कल का, मतलब एक यूनिट रेडियस का आप सर्कल बना दोगे तो मैक्सिमम आप यहां तक पहुंच ही सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये तो पूरा आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा ही होगा। क्या होता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस? कि एक ऐसा रीजन जिसके अंदर हर पॉइंट आपके एनालिटिक हो। तो इस सारा जो ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है ये सब तो एनालिटिक है ना। फिर बोलोगे सर ये सिंगुलर पॉइंट क्यों ले रहे हो आप? मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखा दिया था ना कि बाउंड्री पे हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है, अंदर में होना चाहिए, है वैलिड। क्या हम इससे बड़ा और सर्कल बनाएं? अगर हम इससे और थोड़ा सा बड़ा जाते हैं, अगर इस तरह से जाते हैं, तो आपको दिख रहा है कि सर्कल के अंदर में घुस जाएगा ये पॉइंट, तब तो इनवैलिड हो जाएगा, तब तो नहीं हो सकता। इसीलिए मैक्सिमम वहीं तक जा सकता है। समझ में आया? लॉजिक समझ पा रहे हो, पकड़ पा रहे हो? तो इसलिए यही तो बन गया मेरा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। अब इसको हम कैसे दिखाएंगे, मतलब मैथमेटिकली कैसे दिखाते हैं, ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ। बोलोगे सर ये जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है ना, ये और कुछ नहीं, कहां से स्टार्ट हुआ था? माइनस आई से। तो सर्कल का कैसे लिखते हो कॉम्प्लेक्स में इक्वेशन? मॉड ऑफ जेड माइनस जो सेंटर है, सेंटर है हमारे पास -1। रेडियस कितना है? रेडियस है आपके पास 1 यूनिट। तो ये तो सर्कल रिप्रेजेंट कर गया, लेकिन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? बोलोगे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस तो इसके अंदर वाला पोर्शन है, तो ये दिखा सकते हो, या फिर अंदर वाला ऐसे लेस देन करके दिखाओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, अंदर में, ठीक है ना। तो बस हो गया रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। इस पे तो ठीक है, चलो एनालिटिक नहीं है, मान लिए चलो इस पे एनालिटिक नहीं है। तो आप इसको बहुत तरीके से दिखाते हो, कुछ लोग इसको लेस देन करके दिखाते हैं, मतलब ठीक है सिर्फ अंदर वाला पोर्शन दिखा दे रहे हैं। कुछ लोग इसको लेस देन इक्वल टू करके दिखा देते हैं कि चलो हम बाउंड्री भी कंसिडर कर लिए हैं, ये भी हो गया है, लेकिन इसमें माइनस कर दिए हम कौन सा वैल, मतलब -2i को छोड़ करके बाकी सब कुछ, ऐसा भी हो सकता है। तो बेटर है आप, आपको जो मर्जी दिखा देना, हम इस तरह से दिखा दे रहे, चलो ये सर्कल हम रिप्रेजेंट कर दे रहे। तो मॉड ऑफ जेड प्लस आई इज लेस देन 1, तो इसका अंदर जो पोर्शन है वो हो गया इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक। और बाहर में राइट हैंड साइड में क्या रहता है? उसका रेडियस रहता है, तो लिख दिया मैंने। अब ये बताइए सिंपली कनेक्टेड रीजन है या मल्टीपली कनेक्टेड रीजन है? कोई छेद है क्या? नहीं है, सिंपली कनेक्टेड है। तो क्या लगे यहां पे? टेलर।
टेलर का क्या बताए थे, कैसे एक्सपेंड करते हैं? इसको सबसे पहले आप पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करिए, तो आप लिखोगे एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू वन बाय टू प्लस सॉरी वन बाय जेड प्लस टू आई इंटू जेड माइनस टू आई को आप लिख सकते हो ए टाइम्स ए बाय जेड प्लस टू आई प्लस बी बाय जेड माइनस टू आई. फिर वन इज इक्वल टू ए टाइम्स जेड माइनस टू आई प्लस बी टाइम्स जेड प्लस टू आई. अब यहां पे एक बार आप जेड को टू आई पुट करो तो वन इज इक्वल टू ये तो जीरो हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा बी टाइम्स फोर आई. तो यहां से आप लिख सकते हो बी इज इक्वल टू वन बाय फोर आई. नीचे में आई हमको पसंद नहीं, क्या करें, ऊपर आई नीचे आई कर देते हैं, आई छोड़ दो, नीचे क्या हो जाएगा आई स्क्वायर मतलब माइनस वन, तो माइनस आई बाय फोर. ठीक, तो बी आपको पता चल चुका है माइनस आई बाय फोर. डिनोमिनेटर में आई रखना अनकंफर्टेबल हो जाता है, इसलिए बेटर है उसको रैशनलाइज करते हैं. साथ ही साथ पुट जेड इज इक्वल टू माइनस टू आई पुट करो तो ये जीरो हो जाएगा, ये क्या बनेगा वन इज इक्वल टू ए टाइम्स माइनस फोर आई. तो यहां से आप लिख सकते हो ए इज इक्वल टू माइनस वन बाय फोर आई, ऊपर आई नीचे आई, तो माइनस आई इधर हो गया डिवाइडेड बाय फोर आई स्क्वायर हो गया, माइनस आई हो गया, आई स्क्वायर माइनस वन होता है तो माइनस फोर हो गया, तो आई बाय फोर हो जाएगा. तो ए इज इक्वल टू आई बाय फोर. आपको दो अलग अलग पोर्शन आ चुके हैं, आई बाय फोर भी आ गया है और माइनस आई बाय फोर भी आ गया, तो इसको लिख दो ए के जगह पे क्या लिख दोगे आई बाय फोर टाइम्स जेड प्लस टू आई, फिर बी के जगह पे माइनस आई बाय फोर टाइम्स जेड माइनस टू आई. आई बाय फोर कॉमन है ले लो कॉमन, यहां पे आ जाएगा वन बाय जेड प्लस टू आई माइनस वन बाय जेड माइनस टू आई. अब ये हो चुका है, अब यहां से आप काम चालू शुरू कर सकते हो. मैंने आपको बताया था जब भी आरएचएस में नॉन जीरो कुछ रहे तो आप इसको इस साइड लेके आ जाओ, तो जेड प्लस आई इज इक्वल टू जीरो और इसको आप सब्सटीट्यूट कर दो तो टी इज इक्वल टू जेड प्लस आई. तो यहां से आप जेड को लिख सकते हो टी माइनस आई. ये सब्सटीट्यूशन आपको करना है, एक्सपैंड करना है तो करो एक्सपैंड. f ऑफ z इज इक्वल टू आई बाय फोर वन बाय जेड के जगह पे t माइनस आई डालना है तो t माइनस आई डाल दो प्लस टू आई टी माइनस आई प्लस टू आई हो गया. फिर माइनस करते हैं वन बाय जेड के जगह पे आपको डालना है t माइनस आई तो t माइनस आई माइनस टू आई हो गया. चलिए इसको आप लिख सकते हो i डिवाइडेड बाय 4 इनटू 1 बाय क्या होगा 2i माइनस i मतलब प्लस i तो t प्लस i हो गया माइनस 1 बाय t माइनस 3i हो गया. अब आप जानते हो इसको करना क्या है, i बाय 4 इसको क्या लिखें, यहां से आप कॉमन ले लीजिए क्या है टी को, यहां पे आपको चाहिए वन प्लस समथिंग या वन माइनस समथिंग चाहिए, तो यहां से अगर हम टी कॉमन लेते हैं तो वन प्लस आई बाय टी हो जाएगा, नहीं टी लेस देन वन है, लेस देन वन तो ये पलट जाएगा, नहीं यहां से आप आई कॉमन ले लीजिए तो वन प्लस टी बाय आई बाई आई ये रहने दो. माइनस यहां से माइनस थ्री आई कॉमन लेते हैं वन माइनस टी बाई थ्री आई माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस आई बाय फोर ऊपर आई नीचे आई कर देते हैं तो ऊपर आई हो जाएगा
और नीचे आई स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, वन प्लस टी बाय आई माइनस वन प्लस यहाँ पे भी आई, सो माइनस आई बाय थ्री, वन माइनस टी बाय थ्री आई का पावर माइनस वन। देखने दीजिए मैंने क्या किया है वैसे। वन माइनस आई टी थोड़ा सा चेंजेस यहां से, वन प्लस ये आपका 1/4, इसको कर लेना थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस। मैंने इसे सॉल्व किया है तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आई टी का पावर माइनस वन आएगा और प्लस 1/3 टाइम्स 1 प्लस आई टी बाई 3 माइनस वन आएगा। फिर एफ ऑफ जेड ये आप एक्सपेंड करोगे तो 1/4 टाइम्स 1 प्लस आई टी प्लस आई स्क्वायर टी स्क्वायर एंड सो ऑन एंड सो ऑन, और प्लस 1/3 टाइम्स 1 माइनस आई टी प्लस आई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 9 प्लस एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनल आंसर मैच कर लेना, बीच में कुछ हुआ होगा झमेला। 1/3 प्लस 2/9 आई टी माइनस 7/27 टी स्क्वायर एंड सो ऑन, ये टी के टर्म्स में आएगा, ठीक है। और आप सब्स्टिट्यूशन क्या करने बोला था आपको, मॉड ऑफ सॉरी जेड इज इक्वल टू माइनस आई, तो जेड प्लस आई इज इक्वल टू, इसको आपने टी मान लिया था तो टी के जगह पे आपको पुट करना था जेड प्लस आई, तो यहां पे आप पुट कर दो। सो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/9 आई टाइम्स टी के जगह पे डाल देंगे जेड प्लस आई। इसको जितना और सिंप्लीफाई करना चाहो कर सकते हो, लॉजिक आपको पता चल चुका है वो इंपॉर्टेंट था, टी स्क्वायर मतलब जेड प्लस आई का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, और जितना मॉडिफिकेशंस करना चाहो तो कर सकते हो। पर्पस था कि आपको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस दिखा देने का, फिर आरएचएस में अगर कुछ रहता है तो उसको एलएचएस में ले जा करके उसको सब्स्टिट्यूट करके ये सब चीज़ करने का, ये जो पोर्शन है ये आप कर सकते हो। हो सकता है मैंने कुछ गलती अगर कर दी होगी तो माफ़ी। फाइनल आंसर आप मैच कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन से। अब हम लोग फाइनली एंटर करते हैं कि लॉरेंट सीरीज की प्रॉब्लम्स को कैसे, मैं पहले प्रॉब्लम लिखूंगा उसमें फिर आपको आइडेंटिफाई करके दिखाऊंगा कि कौन सा पार्ट टेलर का है कौन सा पार्ट आपके लॉरेंट का है। इसको नोट करिए, अब एक क्वेश्चन लिया हमने, अब इस क्वेश्चन से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे टेलर लगाना है कहाँ पे लॉरेंट लगाना है। देखो यहाँ पे एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z जेड 1 प्लस जेड इंटू 1 z+3 है, इसको आपको एक्सपैंड करना है इस रीजन में इस रीजन में इस रीजन में इस रीजन में अलग अलग रीजन्स में। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लो जो रीजन दिया हुआ उसको ड्रॉ करके कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा सीरीज आपका लगने वाला है, ठीक है। तो पहला देखते हैं, पहला हमारे पास क्या, मॉड ऑफ जेड इज लेस देन वन, क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है कि एक, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, मॉड ऑफ जेड इज लेस देन वन ऐसे लिख सकते हो। तो ये क्या है, एक सर्कल जिसका सेंटर है ओरिजिन पे और रेडियस है 1 यूनिट, और बोला लेस देन वन, तो आपको पेरिफेरी पे नहीं जाना, आपको इसके अंदर में ही रहना है, तो आप इसके अंदर में रह रहे हो। थोड़ा सा गैप मैंने दिखा दिया है ताकि आपको डिफरेंस पता चले, तो ये है आपका मॉड जेड लेस देन वन। अब बोलो सिंपली कनेक्टेड रीजन है या मल्टीपली कनेक्टेड रीजन है, सर इसमें तो कोई छेद नहीं है सिंपली है, तो यहां पे क्या लगेगा, इसमें एक्सपेंशन जो इसका होगा वो टेलर से होगा क्योंकि एक सिंपली कनेक्टेड रीजन है। अगला देखते हैं,
वन लेस देन मॉड जेड लेस देन थ्री. सर इसको कैसे बनाएं? वो इसको दो पार्ट में बनाओ. एक बार पहले ये बनाओ फिर ये बनाओ. मतलब मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू वन बनाओ पहले, फिर मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू थ्री बनाओ. अब तुम सीख चुके हो कि कैसे बनाते हैं हम लोग. मॉड जेड इज इक्वल टू वन, सेंटर तो मेरा ओरिजिन ही है. तो सबसे पहले आप एक यूनिट का एक सर्कल बनाइए, फिर तीन यूनिट का एक सर्कल बनाइए ओरिजिन से ही. अब क्योंकि वन लेस देन मॉड जेड लेस देन थ्री है, मतलब वन और थ्री के बीच में होना चाहिए, तो आपका कॉमन सेंस बोलेगा ही कि आपको तो इसके इस रीजन के बीच में ही होना चाहिए, और तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसी जोन में आपको होना है. क्लियर है? ओके. सिंपली कनेक्टेड रीजन है, मल्टीप्ली कनेक्टेड है? बोले सिंपली कनेक्टेड रीजन तो नहीं है, मल्टीप्ली है सर, बीच में छेद है. तो कौन सा सीरीज लगेगा, टेलर या लॉरेंट? लेकिन सर इसमें लॉरेंट लगेगा. मॉड जेड ग्रेटर देन थ्री, इसको देखो गौर से. पहले मॉड जेड इक्वल टू थ्री बनाओ तो कुछ इस तरह से बनेगा. सर ग्रेटर देन थ्री बोल दिया सर, तो इसका मतलब बाहर का पोर्शन बता रहा है. ये समझ में नहीं आया सर, बाहर कैसे हो जा रहा है? अब सोचो क्या ये एक ऐसा टाइप का सिंपली कनेक्टेड रीजन बनेगा क्या? नहीं. क्या ये मल्टीपली कनेक्टेड रीजन बनेगा? थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ. हाँ, कि अगर इमेजिन करो, अभी तो बोला नहीं कि ठीक है इसके बाहर है, लेकिन इमेजिन करो एक ऐसा सर्कल जो इनफाइनाइट रेडियस का हो. थ्योरेटिकली तो बोल ही सकते हैं ना कि रेडियस चलो इन्फिनिटी है, तो क्या आप ऐसा नहीं बोल सकते? हाँ, अब समझ में आ गया सर कि ये जो है ना एक मल्टीपली कनेक्टेड रीजन हमको साफ साफ दिख जा रहा है. पूरा का पूरा मल्टीपली कनेक्टेड रीजन हमको साफ साफ दिख जा रहा है. दिखा, एक सर्कल बड़ा वाला, एक सर्कल छोटा वाला, और ये ग्रीन वाला पोर्शन ये रहा. सिंपली या मल्टीपली? मल्टीपली. कौन सा सीरीज, टेलर या लॉरेंट? सर इसमें भी लॉरेंट. आखिरी आए, जीरो लेस देन मॉड जेड प्लस वन लेस देन टू. सर कैसे बनाए इसको? ये भी इसमें क्या है, इसमें भी आसान है, ये सारी चीज मैं मिटा दे रहा हूं. देखो, जीरो लेस देन मॉड जेड प्लस वन लेस देन टू. सर कैसे बनाओगे? एक बार इसको बनाओ, एक बार इसको बनाओ, जो कुछ भी बनेगा उसके बीच वाले को ले लो. मॉड ऑफ जेड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जेड माइनस ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. तो यहां से हमको पता चला कि जो सेंटर है वो है माइनस वन, जो रेडियस है वो है जीरो. डायग्राम में दिखाइए सर. सेंटर माइनस वन, माइनस वन बोलो किधर? माइनस वन इधर, कोई दिक्कत नहीं. सर रेडियस जीरो कहने का मतलब क्या है? अरे एक पॉइंट है. चलो, जीरो रेडियस का एक पॉइंट बना दिया. ठीक है, अब क्या बनाना है? मॉड ऑफ जेड प्लस वन इज इक्वल टू टू. मॉड ऑफ जेड प्लस वन इज इक्वल टू टू. इसको हम जेड माइनस ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू टू लिख सकते हैं. तो इससे हमको ये पता चला कि सेंटर क्या है? माइनस वन. रेडियस क्या है? टू. सेंटर है माइनस वन, रेडियस है टू यूनिट्स. कहां बनाए? एक यूनिट तो इधर, एक यूनिट इधर. चलो इधर से एक सर्कल कुछ ऐसा बना लेते. कौन सा रीजन दिखा? बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या कि सर ये तो सिंपली कनेक्टेड रीजन दिख रहा है क्योंकि ये सब कुछ है इसमें. लेकिन आपको गौर फरमाना है
कि यहां पे आपको जीरो को कंसीडर करना है क्या, लेस देन इक्वल टू है क्या? नहीं, नहीं है, तो जीरो नहीं ले सकते। क्या आपको टू कंसीडर करना है क्या? नहीं, आप टू नहीं ले सकते। कहने का मतलब है कि आप बाहर का पेरिफेरी नहीं ले सकते, ये पॉइंट को नहीं ले सकते। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को एक हॉलो पॉइंट बना दे रहे हैं। कोर्स फरमाइए, इसको थोड़ा आपको समझाने के लिए हम थोड़ा बड़ा दिखाएं, हालांकि इतना बड़ा होगा नहीं, लेकिन मान लीजिए कि एक बीच में छेद हो गया, एकदम छोटा सा छेद हो गया, ठीक है। और बाहर का पेरिफेरी तो आपको लेना ही नहीं है, आपको क्या लेना है, पेरिफेरी को छोड़ करके, पेरिफेरी को छोड़ करके सब कुछ, पेरिफेरी को छोड़ करके अंदर के रीजन का सब कुछ, ठीक है। बाहर पेरिफेरी ले ना लेने क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अंदर में तो अब छेद आ गया, तो आप तो एक रिंग टाइप का डिस्क है ना, सीडी, सीडी में बीच में छेद होता था ना, मिल गया। अब ये बताओ सिंपली कनेक्टेड या मल्टीपली कनेक्टेड? अब बोलोगे सर ये मल्टीपली कनेक्टेड हो गया है, तो कौन सा सीरीज लगेगा, टेलर या लॉरेंट? यहां पे लॉरेंट लगेगा। तो पहला क्या सिखा दिया अब आपको, कि चाहे टेलर सीरीज का प्रॉब्लम हो चाहे लॉरेंट सीरीज का प्रॉब्लम हो, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आप आसानी से निकाल सकते हो। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देख करके आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से प्रॉब्लम में कौन सा सीरीज लगेगा। अब ये आइडेंटिफाई आप इजिली कर चुके हो कि टेलर, लॉरेंट, लॉरेंट, लॉरेंट वगैरह सारी चीजें, इसको आप उसी हिसाब से जो आपका मेन डायरेक्ट फॉर्मूलाज था डेरिवेटिव वाला, आप वो कर सकते हो, समेशन एन इज इक्वल टू जीरो ए एन बी एन वगैरह वो सारी चीजें, हालांकि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसमें आप इंटीग्रेशन वगैरह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो उतना इंटीग्रेशन वगैरह हमको नहीं करना है, हमको सिंपल फंडामेंटल एक्सपेंशन वाला चीज करना है, जो बाइनोमियल एक्सपेंशन मैंने आपको सिखाया है, वही फॉर्मूला आप यूज करिएगा, प्रॉब्लम बन जाएगा। देखो अब रूल क्या है, कि सबसे पहले तो ये वाला जो पोर्शन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z+1, z+3, अगर नीचे में कुछ है प्रोडक्ट के टर्म्स में तो आप उसको बाइफरकेट कर दीजिए पार्शियल फ्रैक्शन के टर्म्स में। तो हम इसको लिख दे रहे हैं a/z+1 + b/z+3, कोई दिक्कत नहीं। इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1 = a(z+3) और b(z+1) क्या पुट करें, एक बार हम z = -1 पुट करते हैं, तो 1 = 2 times a बन जाएगा, तो यहां से a1 निकल गया 1/2। अगले बार हम z = -3 पुट करते हैं, तो 1 = -2 times b, तो यहां से पता चल गया b = -1/2, -1/2 निकल चुका है। तो f(z) = 1/z+1 × z+3 को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 times z+1 - 1/2 times z+3, ये लिख दिया है आपने। अब देखो गौर से कि ये जो चीज आपने लिखा है परफेक्ट, आपको हर प्रॉब्लम के लिए ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। अब चैलेंज ये है कि हर पार्ट्स में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि उसका रीजन क्या है, जेड की मैग्नीट्यूड कितनी है, उस हिसाब से हम क्या कॉमन लेंगे वो मैटर करता है। अल्टीमेटली आपको एक्सपेंशन जो करना है वो बाइनोमियल के टर्म्स में करना है। क्या सिखाया आपको, कि 1 - x के पावर में अगर -1 रहता है तो 1 + x + x² + x³ and so on होता है, और 1 + x अगर पावर में -1 रहता है तो 1 - x + x² - x³ and so on होता है। यही चीज आपको यहां पे करना है। तो आप इसको लिखोगे 1/2 times 1/2 times। अब बताइए इसमें हम क्या ऐसा कॉमन ले जिससे आप इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको z का पहला पार्ट है ये हम सॉल्व कर रहे हैं नंबर ए के लिए। यहां पे बोला z की जो वैल्यू है वो 1 से कम है, अगर 1 से कम है तो एक काम करते हैं, हाफ तो दोनों में है तो 1/2 दोनों में हाफ कॉमन ले लो, 1 बाय
क्या हम इसको 1 प्लस जेड अगर हम लिखें तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी बोला है कि 1 से कम है, तो सेकेंड पार्ट जो होता है 1 से कम होना चाहिए, है कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर माइनस करेंगे 1 बाय, यहां पे जेड की जो वैल्यू है 1 से कम है, तो हम इसे क्या कॉमन लेते हैं? एक काम करते हैं, हम इसे 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस जेड ये क्या बन जाएगा? जेड बाय 3 बन जाएगा। क्या ये कॉमन लेना सही है? क्या 3 कॉमन लेना सही है? टेस्ट करके देखते हैं। इस केस में जेड की वैल्यू 1 से कम है, तो 1 से कम हो गया तो इसका मतलब ये भी तो 1 से कम है, तो यस वैलिड है। दूसरा ऑल्टरनेटिव था कि हम जेड कॉमन ले लेते हैं। अगर हम इससे जेड कॉमन लेते तो इसको हमको लिखना पड़ता 1 प्लस 3 बाय जेड, और आपको पता है कि जेड की जो वैल्यू है 1 से कम है। अगर नीचे में डिनोमिनेटर में 1 से कम डालेंगे तो पलट करके ऊपर जाएगा और ये वाला पोर्शन 1 से ज्यादा हो जाएगा, जो कि इनवैलिड हो जाएगा। तो आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि क्या कॉमन लें जिससे जो सेकेंड पार्ट है वो 1 से कम आए। तो यहां पे ये सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसको 1 बाय 2 टाइम्स, इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस जेड के पावर में माइनस 1 लिखेंगे, माइनस 1 बाय 3 टाइम्स 1 प्लस जेड बाय 3 के पावर में माइनस 1 लिखेंगे। बस इसमें करना क्या है, हाफ हो जाएगा 1, देखो यहां पे ऑल्टरनेट चलेगा, तो यहां पे हो जाएगा 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब एंड सो ऑन। फिर ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, माइनस 1 बाय 3 टाइम्स 1 बाय 3 टाइम्स, यहां पे भी ऑल्टरनेट चलेगा, तो 1 माइनस जेड बाय 3 प्लस जेड बाय 3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस एंड सो ऑन। मैं ज्यादा नहीं कर रहा क्योंकि एक्सपैंड करना आप इजीली जानते हो, आप इसको एक्सपैंड करिएगा, सिंप्लीफाई करिएगा। मेरा मकसद था आपको ये बताना कि एक्चुअली जो उसका मेन गल्प है या उसका मेन जिस्ट है उसको आपको करना था। तो आप समझ चुके हो ए नंबर। नंबर बी देखो, नंबर बी देखो, ये तो आपको टेलर सीरीज मिल गया। तो टेलर सीरीज में आपको सिर्फ क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ आपका पॉजिटिव पावर्स आएगा। लॉरेंट सीरीज में आपका पॉजिटिव नेगेटिव पावर्स दोनों आता है। तो यहां पे इसको आप क्या करोगे, बी नंबर में देखो, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू हाफ रहने दो, 1 बाय जेड प्लस 1 है माइनस 1 बाय जेड प्लस 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, हाफ। अब सवाल उठता है कि यहां पे हम क्या कॉमन लें। यहां पे बोला कि z की जो वैल्यू 1 और 3 के बीच में, मतलब 1 से ज्यादा है। अगर ये 1 से ज्यादा है तो जाहिर सी बात है हमको z ही कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहां पे आप z कॉमन लो, 1 प्लस 1 बाय z, क्योंकि अगर z की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो पलटोगे तो ये 1 से कम हो जाएगा, है ना? तो ये हो गया। फिर माइनस 1 बाय, इस केस में क्या लेना चाहिए हमको, यहां पे अगर हम z कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस z बाय 3 हो जाता है। तो आपका z का जो वैल्यू है 1 से 3 के बीच में है, तो 1 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो तो ये 1 से तो कम ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। सॉरी, यहां पे 3 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 1 प्लस z डिवाइडेड बाय 3, 3 प्लस z, हाँ, यहां पे z की जो वैल्यू है वो 1 से 3 के बीच में, मतलब 3 से कम है। 3 से अगर ये कम है तो जाहिर सी बात है ये तो 1 से कम हो जाएगा, होगा, तो ये जस्टिफिकेशन वैलिड है। अब इसमें क्या करोगे, मैं एक्सपैंड नहीं करूंगा, पावर माइनस 1 लाके छोड़ दूंगा, एक्सपैंड करना आपका काम है। तो इसका 1 बाय 2 करो, फिर इसको 1 बाय जेड का जेड ही रहने दो, इसको रखो 1 बाय जेड, 1 बाय जेड, और इसको क्या कर दो, 1 प्लस 1 बाय जेड के पावर में माइनस 1 आ जाएगा। फिर माइनस 1 बाय 3 करो, 1 प्लस जेड बाय 3 के पावर में माइनस 1 आ जाएगा। एक्सपैंड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो करना है करिए। यहाँ पे मकसद यही है, मेन चीज मेरा पर्पस है कि क्या कॉमन लेना है वो आपको दिखा देना, बाकी सारी चीज आप ऑलरेडी कर सकते हो। तो पार्ट बी हो गया। पार्ट सी देखो, इसमें जेड की जो वैल्यू है वो 3 से ज्यादा है, तब ये हाफ रहेगा, 1 बाय जेड प्लस 1 माइनस 1 बाय जेड प्लस 3, हाफ रहने दो। क्या कॉमन लेना चाहिए हमको, जेड कॉमन लेना चाहिए, तो 1 प्लस 1 बाय जेड, क्योंकि जेड की वैल्यू 3 से ज्यादा है तो ये वाला वैल्यू 1 से कम हो जाएगा, तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। माइनस 1 बाय, यहां पे भी क्या लेना है, 3, तो इसमें आप क्या करोगे,
वन प्लस थ्री डिवाइडेड बाय जेड, तो ये क्या हो गया, थ्री हो गया, ये बन जाएगा आपका, नहीं यहां पे आपको जो कॉमन लेना पड़ेगा वो एक काम करते हैं, जेड कॉमन लेते हैं, वन प्लस थ्री डिवाइडेड बाय जेड, क्योंकि जेड की जो वैल्यू है वो थ्री से ज्यादा है, तो थ्री से ज्यादा यहां पे जब डालोगे, थ्री से ज्यादा तो ये वन से कम हो जाएगा, तो ये जस्टिफिकेशन वैलिड है, तो इसको करते रहो, वन बाय जेड टाइम्स वन प्लस वन बाय जेड के पावर में माइनस वन आएगा, माइनस वन बाय जेड टाइम्स वन प्लस थ्री बाय जेड के पावर में माइनस वन आएगा, आप ये कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखना कि जहां आपका टेलर सीरीज होगा वहां आपके जेड के सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पावर्स मिलते हैं, लॉरेंट सीरीज में पॉजिटिव निगेटिव दोनों पावर मिलता है, जैसे यहां पर दिख रहे हो आपको माइनस है ना, तो ये सब करोगे तो नीचे में आपका माइनस माइनस आए सब, तो ये सब आइडेंटिफाई आप इजिली कर सकते हो। ये हो गया सी। लास्ट में बता देते हैं इसमें आपको क्या करना है, एफ ऑफ जेड, देखो नंबर डी में एफ ऑफ जेड आपने क्या लिखा, हाफ ऑफ वन डिवाइडेड बाय जेड प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय जेड प्लस थ्री, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए। लेकिन यहां पे जो चीज है ना, इसको आपको अगर इस तरह से कुछ रहेगा तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पुट जेड प्लस वन इज इक्वल टू टी, तब ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो लेस देन मॉड टी लेस देन टू, कन्वर्ट हो गया। अब क्या करना है, जेड के जगह पे टी माइनस वन पुट कर देना है, टी माइनस वन पुट कर देना है, इसमें डाल दो, सो वन बाय टू वन डिवाइडेड बाय टी माइनस वन प्लस वन माइनस वन बाय टी माइनस वन प्लस थ्री, वन डिवाइडेड बाय टू कट जाएगा, वन बाय टी माइनस वन डिवाइडेड बाय टी प्लस टू, सिंपल है, इसका तो कोई एक्सपेंशन होना नहीं क्योंकि सिंगल टर्म है, ये होगा वन बाय टी माइनस ऑफ, यहां से क्या कॉमन लेना चाहिए बताइए, वन डिवाइडेड बाय टी की जो वैल्यू है वो जीरो और टू के बीच में लाई कर रही है, जीरो और टू के बीच में अगर लाई कर रही है, तो अगर हम टू लेके देखते हैं, पहले देखते हैं टू लेकर के अगर देखते हैं तो वन प्लस टी डिवाइडेड बाय टू होगा, जीरो और टी के बीच में अगर लाई कर रही है तो जाहिर सी बात है टू से कम है, टू से कम है तो ये पूरा वन से कम हो जाएगा, तो हेंस वैलिड, तो बस यही करना है आपको, इसको पावर में माइनस वन लेकर के एक्सपैंड कर दीजिए, क्या दिक्कत है। लास्ट में जो टी के टर्म्स में आएगा, लास्ट में आपको टी के जगह पे जेड प्लस वन पुट कर देना पड़ेगा, हालांकि वो सब चीज हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम सेव करना है, हमें बहुत सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करने हैं, इसलिए ये सारी चीजें आप ऑलरेडी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप मत समझिएगा मैं हड़बड़ा रहा हूं, हड़बड़ा रहा बिल्कुल भी नहीं कर रहा, क्योंकि ये वाला पोर्शन में मेन जिस्ट और गर्व था कि आपको लॉजिक समझना कि आपको एक्चुअली करना क्या है, वो आप समझ चुके हो, आपका सारा काम हो चुका है, अब एक्सपैंड करके भी दिखाना पड़ेगा क्या, ये तो नहीं कर सकते ना, तो कर सकते हो आप, मेन चीज था कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आप इजिली सीख चुके हो। आई होप काफी अच्छा लगा होगा लेक्चर, समझ में आ गया होगा पूरी तरह से, टेलर सीरीज लॉरेंट सीरीज पूरी तरह से हो गया है आपका समाप्त। अगले लेक्चर में हम लोग लियोविले थ्योरम पढ़ेंगे, फिर सिंगुलैरिटीज में जाएंगे, फिर रेसिड्यूज और फिर कॉची रेसिड्यूज थ्योरम एंड द एंड। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।